शैम्पू के बाद इस तरीके से अपने बालों को चावल के पानी से धो ले दोस्तों, आपके बाल हो जाएंगे बेहद लंबे, काले, घने, मजबूत। बहुत ही इजी और सिंपल सा उपाय करके देखिए दोस्तों, आपके बालों की जो लंबाई है बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, बाल जो है जड़ से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है चावल। अब दोस्तों चावल तो घर में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है कच्चा चावल खाते हैं, बहुत सारे लोग बॉयल्ड राइस भी खाते हैं, तो आपको कोई सा भी चावल लेना है। ज़रूरी नहीं कि जो हम खाते हैं वही चावल, आप जो भी चावल खाते हैं चाहे वो कच्चा हो, चाहे बासमती हो, या फिर आप चाहें तो बॉयल्ड राइस या फिर स्टीम राइस, कोई भी राइस लेना है। अगली सामग्री आपको लेनी है चाय का पत्ती। चाय की पत्ती दोस्तों कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे बालों को नेचुरली काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चाय का पत्ती चाय बनाने के अलावा भी इतने सारे बेनिफिट्स देता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। आपके बालों को बेहद काला, घना, लंबा बनाने में चाय की पत्ती का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। अगली सामग्री आपको लेनी है मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना गुणों का भंडार होता है, कहा जाता है अगर आप मेथी दाना से कंटिन्यू इस्तेमाल अपने बालों के लिए मेथी दाना का करोगे तो गंजे सर पे भी बाल उगाता है, बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, जड़ें इतने ज़्यादा मजबूत करेगा कि बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। नए बाल उगाने में मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। मेथी दाना की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है बालों को ग्रोथ कराने के अलावा भी, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आज की प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बालों को कैसे मजबूत बनाते हैं मेथी दाना से। तो आपको लेना है किसी भी बर्तन में एक गिलास पानी, जिसमें भी आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें आपको डालना है कोई भी चावल, 2 या 3 चम्मच आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेजरमेंट एकदम पक्का हो, 2 चम्मच ले ली। और उसके बाद 1 चम्मच आपको इसमें डालना है मेथी दाना, और उसके बाद उसमें डालना है आपको 1 चम्मच चाय का पत्ती। ये तीनों चीज़ों ही दोस्तों डालना है पानी में, और पानी को आपको अच्छे से उबालना है। उबालने के लिए यहाँ पे आप टाइम जो है 7 से 8 मिनट तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट भी इसको अच्छे से उबाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंच पे ना उबालें, मीडियम से लो फ्लेम पे इसको अच्छे से उबालते हुए, पकाते हुए, जब तक इसकी जो कलर देखिएगा बहुत ही बढ़िया ना हो जाए तब तक इसको आपको उबालना है। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो है मैं गर्म गर्म ही छान रही हूँ, आप चाहें तो पानी को बहुत ही अच्छे से ठंडा भी करके छान सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है इसके अंदर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। अरंडी का तेल दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे बालों के ग्रोथ में बूस्टर का काम करता है। जैसे नॉर्मली अगर आपके बाल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है और अगर आप कैस्टर ऑयल का उपयोग करते हो बालों में, तो बूस्टर का काम करेगा, यानी कि बालों की बढ़ने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज कर देगा और आपके बाल बहुत ही जल्दी लंबे हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये कैस्टर ऑयल का उपयोग कहा जाता है, जहाँ पर बाल नहीं भी होता है वहाँ पर भी ये बाल उगाने की क्षमता रखता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच ही आपको कैस्टर ऑयल का उपयोग करना है। कैस्टर ऑयल कभी भी खाली नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी होती है, बाल इससे टूटने झड़ने भी लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना 1/4 चम्मच और पानी को काफ़ी अच्छे से ठंडा कर लें। आप देख सकते हैं पानी मेरा भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो आपको नहाने के पहले ये प्रोसेस करना है। जब तक आप नहाने जाओगे पानी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बालों को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेना है, धो लेना है, शैम्पू कर लेना है फ्रेंड्स। क्योंकि कभी भी कोई DIY अगर ज़्यादा काम करता है तो आपके साफ़ बाल में, क्लियर और क्लीन बाल में ही काम करेगा फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छे से आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू में दोस्तों मैं बताती हूँ, बहुत सारे शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल और हर्बल होते हैं, किस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो वही शैम्पू आपको इस्तेमाल करना है। मैंने लिंक, बहुत सारे शैम्पूज़ के लिंक दिए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बाल की ग्रोथ में। तो यहाँ पे शैम्पू करने के बाद बाल को काफ़ी अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद, जो हमने पानी बनाया है चावल के पानी का उपयोग आपको अपने बालों को रिंस करने में करना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या इस पानी का उपयोग हम शैम्पू करने के पहले करें कि बाद करें। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता रही हूँ कि इस वाले पानी का उपयोग आपको शैम्पू करने के बाद करना है। अगर आप शैम्पू करने के पहले करोगे तो आपको कम से कम शैम्पू करने के 2 घंटे पहले, जस्ट लाइक आपको क्या सीरम के जैसे इसका इस्तेमाल करोगे, किसी भी बॉटल वगैरह में भर करके रख करके स्प्रे कर सकते हो। लेकिन कोशिश करें जो तरीका मैं अभी बता रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। शैम्पू करने के बाद बाल को अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद आपको इस वाले पानी से आपको रिंस कर लेना है। 10 मिनट तक लगा रहने थे अपने बालों में, और 10 मिनट लगा रहने के बाद ही आपको इसको वॉश करना है, और 10 मिनट के बाद आपको काफ़ी अच्छे से नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेना है दोस्तों। क्योंकि चाय का पत्ती रहता है इसकी में कलर रहता है ना, तो क्या होता है कभी कभार आपके कपड़े भी इससे गंदे हो सकते हैं, इसलिए 10 मिनट के बाद इसको वॉश कर ले। और पहली बार के
इस्तेमाल से फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, बाल आपके बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे दोस्तों, और सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया टच रहेगा, मुलायम सिल्की सॉफ्ट फ्रेंड्स, मजबूत इतने ज़्यादा हो जाएंगे कुछ दिन के इस्तेमाल से कि आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। ट्राई ज़रूर करिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।